झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू में लोक परिवहन की बस ने एक कार को जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे कार सवार दो लोगों की मौत हो गई है। वहीं बस भी पलट गई, जिसके चलते बस में सवार करीब एक दर्जन सवारियों के चोटें आने की खबर मिल रही है, जिन्हें निजी और सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक झुंझुनू में कार्यरत स्टेट जीएसटी में ज्वाइंट कमिश्नर सुनील मिल का भाई राजकुमार मिल अपने एक साथी के साथ बग्गड़ से झुंझुनू की ओर आ रहा था। भीड़ में सामने से आ रही लोक परिवहन बस के चालक ने तेज रफ्तार में बस चलाते हुए कार को जबरदस्त टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि न केवल कार के परखच्चे उड़ गए, बल्कि बस भी क्षतिग्रस्त हो गई और रफ्तार में वन विभाग की तारबंदी तथा एक पेड़ को तोड़ते हुए पलट गई। घटना पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की बजाय वीडियो बनाते रहे। करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो कार सवार एक घायल को एम्बुलेंस के द्वारा बीडी के अस्पताल रवाना किया, जिसकी रास्ते में मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर इसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद कार से दूसरे मृतक का शव निकालने के लिए दो क्रेनों की पुलिस को मदद लेनी पड़ी। इन क्रेनों से ही कार में फंसा हुआ शव निकाला गया। वहीं मौके पर एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह पहुंचे, जिन्होंने बताया कि हादसे में दो जनों की मौत हो गई, जिनमें से एक की पहचान हो गई, दूसरे की पहचान की जा रही है। घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस बस को जब्त कर लिया है। हादसे के बाद यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे यातायात पुलिस ने आकर सामान्य करवाया। वहीं मौके पर बगड़, सदर और कोतवाली तीन थानों की पुलिस और यातायात पुलिस पहुंच गई है। हादसे में भाई की मौत की सूचना के बाद ज्वाइंट कमिश्नर सुनील मिल भी बीडी के अस्पताल पहुंचे, जिन्हें साथ आए उनके अधिकारी और कर्मचारियों ने ढांढस बंधवाया। अपने झुंझुनू का जो भीड़ क्षेत्र है, उस रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और एक तरफ ये लोक परिवहन बस है, दूसरी तरफ ब्रेजा गाड़ी थी। ब्रेजा में जो दो सवार थे उसमें एक घायल था, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और दूसरा की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। सात आठ सवारी इसमें भी घायल हुए, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। दो लोगों की डेथ बताई जा रही है जो ब्रेजा गाड़ी में सवार थे, और बस में जो सवार थे वो घायल हैं, उनका उपचार भी जारी है।